अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को बंद क्यों नहीं किया, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को सील क्यों नहीं किया? क्योंकि यह तो पता चल गया था कि फ्लाइट में ही बैठकर कोरोना भारत आ रहा है। आप अपने घर में रहती हैं, आप अपने घर में रहते हैं, आप जो भी है, अगर आपको यह पता चल जाए कि आपके घर में मोटरसाइकिल से कोरोना आएगा, चलो तो आप क्या अपने घर में मोटरसाइकिल आने देंगे? सीधी सी बात, आपके घर में कार से कोरोना आएगा तो आप आने देंगे? चलो आपको आपके घर में भिंडी बाजार से लाएंगे तो कोरोना आएगा, आपके घर में टिंडा बाजार से लाएंगे, लौकी बाजार से लाएंगे तो कोरोना, आपके घर में चाइना का फ्रूट बाजार से लाएंगे तो कोरोना, आप लाएंगे? अगर ये देश को पता चल चुका था, देश पूरा पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि कोरोना फ्लाइट में बैठकर हर देशों में जा रहा है, इंसानों को पता चल चुका था, मैं गधों की बात नहीं करता, तो अगर सबको पता चल चुका था तो आपका प्रधानमंत्री फरवरी के पहले हफ्ते में अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटों को लॉकडाउन क्यों नहीं किया? अभी आज जो स्थिति है उस पर हम अगला सवाल रहेगा, लेकिन पहला सवाल कि उस समय आपका प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय आवागमन को लॉकडाउन क्यों नहीं किया, क्वारंटाइन क्यों नहीं किया? जो विदेशों से आ रहे थे उनको क्वारंटाइन कर देते, जो देश में थे उस समय आए हुए उनको क्वारंटाइन कर देते, या और आना जाना रोक देते, एयरपोर्ट बंद कर देते, फ्लाइट बंद कर देते, अंतरराष्ट्रीय उड़ान। तो क्या आप ये नहीं मानेंगे, आप ये मानेंगे या नहीं मानेंगे कि आज ये दिन नहीं आता, आज हमें 1947 से नहीं गुजरना पड़ता? आप सोच के देखिए मेरे भाई। और सबसे बड़ी बात, आगे मैं मानवता की बात करूंगा, आगे मैं एनआरसी और ये सीए पर भी बताऊंगा आप लोगों को कि उसका भी परिणाम है ये कोरोना, लेकिन उसे आगे थोड़ा और आगे बढ़ करके पहले ये मैं सवाल आपसे क्लियर कर लूं मेरे दोस्तों कि क्या जो बात मैं समझ रहा था, जो आम आदमी समझ रहा था, जो मीडिया समझ रहा था, जो चाइना भुगत रहा था, जो दुनिया के दूसरे देश भुगत रहे थे, तो क्या कोरोना वायरस भारत में इस तरह, क्योंकि आ चुका था केरला में, तो कोरोना वायरस भारत में इस तरह कहर बरपाएगा ये आपके प्रधानमंत्री को पता नहीं था, आपके चौकीदार को पता नहीं था? अब पहली बार, अब दो सवाल आते हैं, अगर पता था और आपका, मैं जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री को पता था हमसे और आपसे ज्यादा ये स्थिति आएगी, इससे भी भयावह स्थिति, उसे पता था, पता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। आप पूछेंगे क्यों कुछ नहीं किया, उसका भी जवाब मेरे पास है, मैं आपको बताता हूं क्यों कुछ नहीं किया। आपके प्रधानमंत्री को 101% पूरी तरह से पता चल चुका था कि जैसे दुनिया के देश तबाही के कगार पे खड़े हैं कोरोना वायरस से लड़ने में और असफल हो रहे हैं, उससे भी ज्यादा भयावह स्थिति भारत की होगी, ये आपके चौकीदार को पता था, लेकिन आपका चौकीदार कोई कदम नहीं उठाया। आप जानते हैं क्यों? मैं जानता हूं, मैं बताता हूं, आप भी सोच के देखिए, आपका चौकीदार उस समय वो कदम क्यों नहीं उठाया? क्योंकि उसे नमस्ते ट्रंप करना था। आप सोच के देखिए, कोई और कारण बताइए मुझे, जिस किसी के भी मन में मेरी बात काटने की हिम्मत है, काटने का मादा है, वो मुझे इस बात का बताए अनुवाद करके कि अगर दुनिया में कोरोना तबाही मचा चुका था, मचा दिया था फरवरी के पहले महीने में, 15 फरवरी से पहले दुनिया को घुटने टेकवा चुका था, इटली में लाइन लग चुकी थी मरने की, लोगों को डॉक्टर नहीं मिल रहे थे देखने के लिए, लोग घरों में कैद हो रहे थे, चाइना तबाह हो चुका था, उसके बाद भी क्या आपके चौकीदार को यह पता नहीं था? मैं कहता हूं था। आप सिर्फ ये बताओ, क्या पता नहीं था? मैं कहता हूं था। कैसे था? था, उसे पूरी तरह से यह मालूम था कि भारत इटली से भी, स्पेन से भी, चाइना से भी, अमेरिका से भी बड़ी तबाही मचेगा भारत में, यह बात उसे 100% पता थी।
एक और सवाल बनता है मेरे दोस्तों, अगर उसे पता नहीं था तो वो प्रधानमंत्री बनने के काबिल ही नहीं है। अगर एक आम आदमी ये बात कहता है, एक अगर मेरे जैसा साधारण आदमी ये बात लाइव करता है, लोगों को बताने की कोशिश करता है, अगर मेरे जैसा साधारण आदमी ये बात कहता है कि भारत में ये तबाही होगी, तो आपका चौकीदार क्यों नहीं, आपके चौकीदार को अगर नहीं पता था तो क्यों नहीं पता था? अगर नहीं, मैं कहता हूं पता था। अगर आप कहते हैं कि भाई पता नहीं होगा, हो सकता है हमारे चौकीदार ने सोचा होगा कि ऐसा नहीं होगा। अगर आपका प्रधानमंत्री ये कहता है कि उसे पता नहीं था, तो उसे एक सेकंड भी मॉरल ग्राउंड पर, एक सेकंड भी प्रधानमंत्री बन के उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं रह जाता है। और मैं समझता हूं उसे डिक्लेयर भी कर देना चाहिए कि मैं इस कोरोना वायरस से निकलने के बाद मैं ये कुर्सी छोड़ दूंगा। अगर ये कहता है कि मुझे पता नहीं था, और अगर कहता है मेरे दोस्तों कि उसे पता था, मैं जानता हूं उसे पता था, मैं कहता हूं उसे पता था, क्योंकि दुनिया भुगत रही थी, दुनिया का के हालात सामने आ चुके थे, और मैं कहता हूं उसे पता था, उसने नहीं लिया उठाया कदम, क्यों? ये इसका भी इस सवाल का जवाब मेरे पास खड़ा है मेरे दोस्तों, क्योंकि उसे नमस्ते ट्रंप करना था, उसे भारत के 1 करोड़ लोगों को अहमदाबाद के स्टेडियम में खड़ा करके, झुका करके, साष्टांग दंडवत करवा करके नमस्ते ट्रंप करना था। उसे यह बताना था कि भारत आज भी गुलाम है, कल भी गुलाम था, आज भी गुलाम है, और अगले सदियों तक गुलाम रहेगा, यह उसे बताना था। यह सच है मेरे दोस्तों। कैसे कह सकता है आपका चौकीदार आज यह कहे? सामने उसे आके कहना चाहिए जो स्थिति आज है उससे उसका अंदाजा मुझे नहीं था। ये कहे, या तो ये कहे कि मुझे अंदाजा नहीं था, और ये कह करके वो ये डिक्लेयर करे कि मैं कोरोना वायरस से निपट लेने के बाद मैं पद छोड़ दूंगा। क्योंकि वो अगर ये कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था, मैं जानता हूं ये गलत कहेगा, मैं जानता हूं ऐसा है नहीं। हमसे और आपसे ज्यादा अपने आप को समझदार समझने वाला आपका चौकीदार है, जो चैलेंज के साथ कहता है मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। आपका चौकीदार कुछ सुपर मानव है, कुछ भी कर सकता है। आपका चौकीदार कहता है हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आपका चौकीदार महामानव है। अगर आपका चौकीदार दोस्तों महामानव है, तो उसको पता क्यों नहीं था? अगर नहीं था, अगर वो कहता है सामने आकर के कहे, अगर वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ये स्थिति आएगी, अगर ये कहता है, तो उसे एक सेकंड भी उस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। जबकि मुझे पता है मेरे दोस्तों, उसे अच्छी तरह पता था कि ये स्थिति मुझसे ज्यादा, भारत के बाकी लोगों से ज्यादा, पूरे भारतवासियों से ज्यादा, उसे पता था कि ये स्थिति भारत में आएगी, लेकिन वो कदम क्यों नहीं उठाया? क्योंकि उसे नमस्ते ट्रंप करना था। अब अगर मैं आप लोगों से ये पूछता हूं, ये कहता हूं, ये सवाल खड़ा करता हूं कि आज हम नमस्ते ट्रंप की कीमत चुका रहे हैं, हमारे भाई, हमारी माताएं, हमारी बहनें, भूखे लोग आज 1947 की तरह रोड पर खड़े हैं, रोड पर भिक्षा मांगकर भी खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए उनके पास नहीं है। दिल्ली की स्थिति आप देख लो, अपने घर वो मरने के लिए तैयार हैं, मृत्यु को भी अपनाने के लिए तैयार हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर हमें मरना ही है तो हम अपने घर जाकर मरें, अपने परिवार के साथ मरें। ये सोच बन चुकी है आम आदमी में। आज भारत 1947 में पहुंच चुका है। ये वीडियो मैं इस आज बहुत ज्यादा देर तक नहीं बोलूंगा मेरे दोस्तों, आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक लाइव पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं लाइव से बाहर आऊंगा 24 आवर्स के लिए यह वीडियो क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, 24 घंटे यह वीडियो नहीं दिखेगा किसी भी मीडिया में।
24 घंटे के बाद इसे लाइव किया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि इसे लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए, कम से कम लोगों को अपने आज की दुर्दशा जो उनकी हो रही है उनकी हालात के लिए जिम्मेदार कौन है, कम से कम ये जानता रहे। चलिए मेरी मौत आती है, मैं मरता हूं, आप मरते हो, दुनिया मरती है, मरने के लिए सभी मरते हैं, बहुत से और कारण होते हैं आदमी के मरने के लिए, लेकिन कम से कम मरते समय आदमी को पता होता है कि वो क्यों मर रहा है। हमारा हार्ट अटैक हो गया, किसी का हार्ट अटैक हो गया वो मर गया, किडनी फेल हो गया मर गया, ये हो गया मर गया, वो हो गया मर गया, लेकिन कम से कम उसे पता तो होता है कि वो क्यों मर रहा है। आज लोग मरने के लिए बाहर आ रहे हैं, उन्हें पता है कि मर जाएंगे, मरने के लिए भी बाहर आने के लिए तैयार हैं। ये स्थिति आज भारत की है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है?